प्रधान की मिली भगत से सड़क और शौचालय का निर्माण केवल कागजों में कराकर भुगतान करा लिया गया। दरअसल आपको बता दें कि यह नजारा बेलघाट के रतनपुरा गांव का है, जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर गांव के खर्जे सड़क की नापाई हो रही थी, जो पता भी नहीं चल पा रहा था कि यहां पर खर्जा सड़क है। वहीं जब शौचालय की जाँच की जा रही थी, जिस खर्जा को नापा जा रहा है उसको बने 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन यह खर्जा सड़क कागजों में कुछ महीने ही बनी है, जिसका भुगतान भी ग्राम प्रधान करवा चुके हैं। वही प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस गांव में 55 शौचालय के निर्माण के लिए बजट आया था, लेकिन कागज में 56 और धरातल पर उतरे केवल 2-4। जिलाधिकारी ने जाँच के बाद माना कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। पेश है गोरखपुर के संवाददाता अबरार अहमद की खास रिपोर्ट। देखिए, गांव है, यहाँ पर लोगों ने शिकायत किया था कि इस गांव में 14वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग से जो कार्य कराए गए हैं उस कार्यों में गड़बड़ियाँ है। खड़ंजा का जो कार्य हुआ था वो, इसके बाद शौचालय निर्माण में भी कहा गया है कि यहाँ पर पैसा ज़्यादा निकाल लिया गया है और शौचालय नहीं बने हैं। हैंडपम्प के मरम्मत के संबंध में भी 3 हैंडपम्प दिखाए गए हैं जिसमें 36,000 रुपया खर्च हुआ है, उसमें 2 हैंडपम्प तो हमने देखा भी बने नहीं हैं और एक हैंडपम्प विद्यालय पर चल रहा है, और शौचालय विद्यालय का मरम्मत कराया गया है। हमने सबका एस्टीमेट ले लिया है और सबका मेजरमेंट करा लिया है। मैं दिखवाता हूँ कि इसमें कितना पैसा आहरित हुआ है और कितना पैसा खर्च हुआ है। यदि आहरण वितरण में अंतर होगा, जितना आहरित है उसके सापेक्ष काम नहीं कराया गया, सहयोग नहीं करेंगे तब तक एक आदमी के विकास से काम नहीं चल सकता है। अब जैसे किसी की शिकायत है तो जितने शिकायत है शिकायत के बिंदु बताइए, उसका निराकरण भी आप ही को करना है, क्योंकि गांव पंचायत में हम लोग तो आके आपकी कमी और अच्छाई देख के बता देंगे, दंडित करा देंगे। यदि आपकी कमी होगी, खराब स्थिति होगी, तो आपको वसूली या आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन गांव का विकास कैसे हो, गांव में कार्य कैसे कराया जाए और वो कार्य स्थायी रहे और सबको लाभ मिले, ये गांव पंचायत को ही करना है। अपने ही आप गांव पंचायत बैठक करेगी, अपने ही तय करेगी, और उस गांव पंचायत की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा भी गांव पंचायत को ही करना है, क्योंकि बाहर से आया हुआ व्यक्ति उसकी हमेशा सुरक्षा नहीं कर सकता है। तो इसको भी आप ही को देखना है, गांव में जो काम हो रहा है उसकी गुणवत्ता भी गांव पंचायत को भी देखना है और सरकारी लोग को भी देखना है। लेकिन प्रतिदिन जिसको उपयोग करना है उसको उसका सहयोग उसमें जरूरी है। गड़बड़ी मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी, गड़बड़ी मिलती है तो 101% कार्रवाई की जाएगी उसमें कोई। इसलिए तो आज है कि भ्रष्टाचार चरम पैमाने पर, कोई काम हुआ ही नहीं। खड़ंजे की बात है, चुन्नी लाल के घर से लेकर राजू के, वो 2000 से लेकर 2005 का लगा हुआ है, दिनेश बाबू के प्रधानी का, और नपाई हो रही है उससे अधिक। कहा जा रहा है खड़ंजा इन्होंने लगवाया है। कितना मीटर खड़ंजा था? 200 मीटर प्रधान लिख कर भेजे हैं, मौके पर तो बहुत कम है। अब भाई मत तो 1,78,000 रुपया। तो क्या हुआ, रोड बना कि नहीं? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ एक ईंटा नहीं रखा हुआ है, और गांव का किसी भी चकरोट पर एक छटाक मट्टी नहीं पड़ी हुई है। तो क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या कर? विकास चाह रहा हूँ गांव का, भ्रष्टाचार का सफाया हो, न्याय हो। राजा राम, तो ये कब कब का बना हुआ? 15 साल पहले का। और ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब दोबारा ये बन चुका है? ना, एक को भी ना बनल है। 15 साल दिनेश बाबा का प्रधानिक बनल है, और सुनील पैसा वैसा एक फिर निकल गए। अच्छा, आखिर जांच हो रही, क्यों हो रही है जांच? वही ना होत बने, क्यों कि पैसा निकाल लिया हमारा बनवा लेना है। कौन पैसा निकाल लिया? प्रधान जी और वर्तमान के। कितना साल हो गया आपको बने? 15 साल लगभग होगा। विकास मिश्रा है, मैं ग्राम रतनपुरा का निवासी हूँ। मेरे गांव में एक खड़ंजा जो 15 साल पुराना था उस पर प्रधान जी ने 1,78,000 रुपया निकाल लिया था। उसके लिए मैंने DM साहब के यहाँ 30 तारीख को दरखास्त डाली थी, जो 4 सितंबर को DDO साहब के लिए अग्रेसित हुई, जो 15 दिन तो उनके ऑफिस में ही वो फाइल दाब दी गई थी। जब हमने कहा कि हम पुनः DM साहब से शिकायत करेंगे कि आपकी यहाँ फाइल मेरी दाब दी गई है,
तो लोगों ने फाइल खोज के दी। उसके बाद फिर हम पुनः 3 अक्टूबर को डीएम साहब से भेंट किए। डीएम साहब से जब भेंट किए, हम कहे सर मेरी फाइल पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने डीडीओ साहब को तलब किया। तलब करने के बाद उन्होंने उनसे डेट मांगी, तो 11 तारीख को जांच के लिए डेट दी गई। इसमें 4 बिंदु मूल थे मेरे, शौचालय को लेके 55 शौचालय आए थे, 6,60,000 रुपया 1 साल पहले निकाल चुके थे प्रधान जी, और उसको 55 में 24 पूर्ण ही नहीं है, बना ही नहीं शौचालय। अब 5-6 ऐसे हैं जो पूर्ण बने हुए हैं, जिसमें पैसे का बंदर बांट हुआ है। उसके बाद सरकारी नल पे पैसा आवंटन किए थे 36,840 रुपया जो निकाले हैं।